हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज हम चैप्टर्स जो 4 है वर्कशीट 7, तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस ये जो वर्कशीट 7 है, इसका जो पिछला वीडियो है, देखो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इसका जो फर्स्ट पार्ट तुमने नहीं देखे, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का पूरा एक्सप्लेन किया हूं, तो एक बार वो जरूर देखो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि इस वीडियो में आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देख सकते हो, मिल जाएगा, और नहीं तो जो ऊपर में आई बटन है उसमें देखो, उसमें भी मिल सकता है। और नहीं तो बस एक ही प्रोसेस है कि मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लो। तो गाइज ये मेरा रिक्वेस्ट है, फिर से कह रहा हूं कि पहले इसका पार्ट 1 देख लो, फिर यहां पे आओ। ओके, सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन। बात कहना है जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैं कहना भूल गया था कि ये जो नंबर से ना, इसको कहते हैं कि यूजुअल फॉर्म, और अगर इस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, यूजुअल फॉर्म मींस जो ऐसे फॉर्म में दिया गया है वो है यूजुअल फॉर्म। बस ये कहना मैं भूल चुका था, तो अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इसको अगर डेसिमल में लिखोगे, डेसिमल नंबर में, तो कैसे होगा? दैट This 0.0, any integer can be written as this 13,84,000.0. Okay? Now बताओ, अब वैल्यू क्या है 1384, तो यहां तक तुम आ सकते हो 1, 2, 3। अब अगर यहां पे आके खत्म करोगे तो यह आ जाएगा 1384। ये 10 से बड़ा नंबर है या नहीं? 1384 greater than 10, in 138.4 something आएगा। तो अब फिर से और एक प्लेस शिफ्ट करोगे तो ये 13.84 आएगा, ये भी 10 से बड़ा नंबर है। अब बताओ, फिर और एक प्लेस शिफ्ट करोगे तो 1.384 आएगा, ये जो है ये अब 10 से छोटा हो गया ये नंबर। तो मुझे कहाँ तक शिफ्ट करना है? यहाँ तक। ओके, तो 1.38400। अब बताओ कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 10 to the power 6। अब प्लस और माइनस कौन सी साइड से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ? राइट से, राइट मतलब प्लस, सो प्लस 6, दिस इज द आंसर। आ गया ना? अब देखो अगर इसको करना चाहोगे तो यहाँ से ये 12 point something, तो 12 point something जो है। अब बताओ ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 12 है, 12 जो है वो है 10 से बिगर नंबर, 12 point something जो भी है वो 10 से बड़ा नंबर है। तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लेस शिफ्ट कर दूँ, ये आ जाएगा 1.23205, है ना, इनटू। आप मुझे बताओ ये कहाँ, मतलब कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया? एक प्लेस, यहाँ से यहाँ तक। सो 10 to the power, अब प्लस और माइनस प्लस, बिकॉज राइट से आ रहा हूँ ना, तो 1 आ गया। अब इसको करना है तो कहाँ से मुझे जाना है? यहाँ से अगर तुम और राइट से लेफ्ट में चले जाओगे ना, तो ये नंबर और छोटा होता जाएगा, मतलब 0 और भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो बस हमें कहाँ से कहाँ जाना है? इस साइड में। तो यहाँ पे करोगे तो 0.0002 आ गया। फिर से ये जो नंबर है ना, ये 1 से छोटा नंबर है, क्योंकि इससे 1 बड़ा नंबर है। अब तुम और एक प्लेस शिफ्ट करोगे तो 0.002, है ना, ये भी 1 से छोटा है। अब और एक प्लेस शिफ्ट करो, 0.02, ये भी 1 से छोटा है। और एक प्लेस 0.2, ये भी 1 से छोटा है। ठीक है, और एक प्लेस कर देते हैं, और एक प्लेस करेंगे मतलब यहाँ पे 0.0 आ जाएगा, है ना, तो 2 आ गया। अब ये नंबर 1 से बिगर हो गया, क्योंकि मुझे पता है k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना है, 1 and 10 के बीच में, समझ में आ गया। सो 2.0 into, अब बताओ कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, सो 10 to the power 5। अब प्लस 5 और माइनस 5, कौन सी साइड से कौन सी साइड में शिफ्ट कर रहा हूं? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट, लेफ्ट मींस नेगेटिव, बस माइनस 5 आ गया। अब नेक्स्ट जो है, देखो 5 नंबर, एक बात कहना चाहता हूं कि देखो मैंने 3 का क्वेश्चन नहीं करवाया है, तुम लोग कर सकते हो वो कर लो। अब देखो 5 का जो है हमें यहां से शिफ्ट करना है 1, 2, 3 प्लेस। अब यहां पे आके खत्म कर दोगे ना तो 7.29 आ गया, और एक प्लेस जाओगे तो 72.9 आ गया, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ और एक प्लेस मतलब 729.0। तो हमें कौन सा नंबर चूज करना है? ये, क्योंकि k वैल्यू क्या है, 1 and 10 के बीच में रहेगा, तो 7.9। और नहीं तो एक बात याद रखो, एक नॉन जीरो जो नंबर होगा, डिजिट होगा, उसके बाद में ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कहाँ है? 7
सेवन के बाद में ही पॉइंट आना है, बस ये याद रखो। एक ही नंबर जो नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद में पॉइंट देना है। जो भी चेक करोगे देखो एक ही नॉन जीरो पॉइंट है, वन, वन के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया। यहाँ पे देखो 12 के बाद था तो हमें कहाँ लाना था, वन के बाद एक नंबर होना चाहिए, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही नंबर होना चाहिए, बस एक नंबर। देखो यहाँ पे देखो 2.0, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 7, अगर तुम 07 लिखोगे तो दो नंबर आ गया ना, तुम ऐसे लिखोगे तो दो नंबर आ गया। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही नॉन जीरो नंबर रहेगा, समझ में आ गया। तो चलो अब 7.29, तो कितना प्लेस मैंने शिफ्ट किया बताओ, अभी यहाँ से यहाँ तक तो 1, 2, 3 प्लेस, सो 10^3 आ गया। अब 3 पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ, कहाँ से, लेफ्ट से मतलब नेगेटिव, राइट से आता तो पॉजिटिव, समझ में आ गया। अब तो ये हमें काउंट करना है जीरो को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे आके खत्म करना है। देखो एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने कहा ना एक ही नॉन जीरो नंबर होना चाहिए लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट की, इनटू कहाँ तक आया, 10 तक। सो 10 मतलब 10 लिखना इधर, अब प्लस और माइनस अब तुम लोग ही बताओ, डिसाइड करो। मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, बस -10 आ गया। दिस नंबर कैन बी रिटन एज दिस, नो व्हाई, बिकॉज इट इज़ अ इंटीजर नंबर, बिग नंबर बट डेफिनेटली इट इज़ अ इंटीजर नंबर। तो कोई भी इंटीजर नंबर 5 को लिख सकते हो 5.0, 67 को लिख सकते हो 67.0, ऐसे ना, तो बस ऐसे ही लिखा मैंने। अब बताओ यहाँ से मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना है कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि मैं कहा हूँ कि जो नंबर है पहले उसको लिख लो, कहाँ पे आने मतलब डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में कितना नंबर रहना चाहिए, एक ही, तो ये आ गया। और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि 5.2 जो है वो केस के जो मतलब 1 एंड 10 के बीच में है ना 5.2, तो डेफिनेटली ये नंबर होगा, तो यहाँ पे पॉइंट देना चाहिए हमें। तो आप बताओ यहाँ से शिफ्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो इनटू 10^8। आप बताओ प्लस और माइनस कौन सी साइड से आ रहा हूँ मैं, राइट से लेफ्ट, तो डेफिनेटली यही आंसर है, तो दिस इज द आंसर। अब इसके बारे में बताओ, अब ये जो नंबर है हमें क्या करना है, जो नॉन जीरो नंबर है उसको लिख लो पहले। अब कहाँ पॉइंट देना चाहिए था, यहाँ पे, सो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो कहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना है, डेसिमल जो पॉइंट है उसको कहाँ से शिफ्ट करना है, इस जगह पे से, इस जगह से इस जगह पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो 10^6। अब प्लस और माइनस लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, सो दिस इज द आंसर। नाउ यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म मतलब कोई भी 10 की पावर में नहीं रहेगा कोई भी नंबर, तो हमें ये हटाना है। तो पहले लिखो, अब देखो 52.5 इंटू 10^4 मीन्स 1, 2, 3, 4, 0 आ गया। अब इस पॉइंट को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, बाय 10, मतलब पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ओके ना, तो 0, 0 कैंसिल हो गया। अब 5, 2, 5, 1, 2, 3, 0, दिस इज द यूजुअल फॉर्म, अंडरस्टूड। नाउ दिस वन 158.9, अब इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब 10^6 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 तो कट गया, 158 मीन्स 1589, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 आ गया। अब दिस वन, इसको देखो 1.72 तो है, ओके। अब हमें बताओ इंटू 10^5 ऐसे है, इसको भी रखो, अगर इसको रिमूव करोगे तो कहाँ आएगा 100 यहाँ पे, तो अब फिर से इसको लिखे हम तो 172 इंटू, अब बताओ 10^5 को अगर पॉजिटिव में लिखे तो क्या होगा, ये तो 100 आ गया। अब 10^5 मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, चलो इसी स्टेप में कर देता हूँ ना तो जगह बच जाएगा, 10^ जो -5 है उसको अगर तुम पॉजिटिव मतलब माइनस को अगर पॉजिटिव करोगे तो 10^5 नीचे आ गया। फिर से देखो एक बार, x^-m कैन बी रिटन एज 1/x^m, नो, सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा जो है 10^-5 है, दैट कैन बी रिटन एज 1/10^5, तो 1 बाय मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके।
सो 10 to the power 5। नाउ अब 10 to the power 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 172 into 1। नाउ 5 एंड यहाँ पे 2 मतलब 70 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तुम लोगों को पता है कैसे ये करना है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 में करे हो तुम लोग कि कोई भी नंबर को 10 के पावर में लिखा गया नीचे डिनोमिनेटर को, तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ से पॉइंट को लिखना चाहिए कितना प्लेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेस। तो 1, 2, 3 तो हो गया, और अब बताओ 3 के साथ कितना जीरो अगर तुम दे दोगे और कितना प्लेस अगर तुम 3 के साथ ऐड करोगे तो 7 प्लेस हो जाएगा। 4 प्लेस तो मतलब 4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो कितना प्लेस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया ना। तो यहाँ पे कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए था, 7। तो 7 आ गया, ठीक है ना। कैसे किया मैंने, समझ में आ गया। चलो और इस टाइप का और एक और सम करता हूँ माइनस जो है उसके हिसाब से। मैंने यहाँ पे ना जो 7 नंबर है वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तुम लोग कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। तो मैंने जो डिफिकल्ट होता है माइनस वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब 8.5 को 8.5 ही लिखना है। अब इस पॉइंट को उठाओगे तो नीचे 10 आएगा। अब 10 to the power -7 कैन बी रिटन एज 10 to the power 7। ओके, नाउ 85 by 10 to the power 7 मतलब 70 आएगा और यहाँ पे 1 मतलब टोटल 80 आएगा। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0। अब कितना प्लेस डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे, जो आंसर आएगा ना वो कितना प्लेस होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे कितना प्लेस आएगा, 8 प्लेस। ओके, तो 85 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब बाकी जो है वो क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है क्योंकि यहाँ पे 80 है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 80 मतलब हमारा जो डेसिमल प्लेसेस आएगा वो कितना होगा, 8। तो 85 लास्ट 2 में तो 85 आ गया। अब बाकी सब क्या आएगा, 0। ऐसे भी कर सकते हो, देखो फिर से 2.9 मतलब 29 पॉइंट नीचे आएगा, 0 मतलब 10 आएगा। अब 10 to the power -9 मतलब 10 to the power 9 हो गया नीचे आके। अब 29 बाई ये तो 10 to the power 10 मतलब 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ 0 point, अब जो मेरा डेसिमल प्लेस क्या क्या होना चाहिए, 10 0 है ना मतलब 10 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 हो गया मतलब, तो यहाँ पे जो 29 है 2 and 9 तो लास्ट 2 में आ जाएगा, बाकी क्या होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 0। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द यूजुअल फॉर्म। ओके, नाउ दिस वन 1.925। अब बताओ अगर इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, 3। सो 1, 2, 3, 0 इंटू 10 to the power 6। क्यों, क्योंकि अगर ये डेसिमल में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सॉरी अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1925 बाई हाउ मेनी जीरो, 6 एंड यहाँ पे 3 मतलब 90 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 आ गया। आप बताओ यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ इसका जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। अब हमें 90 है मतलब डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए था, 9। सो 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लास्ट 4 में क्या आएगा, 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 9 यहाँ पे 1, बाकी तो और नंबर नहीं है मतलब वो क्या लिखना है हमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो दिस इज द आंसर गाइस। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। मैंने प्रॉमिस किया था कि इस जो वीडियो सेशन है मतलब जो पार्ट 2 में ही ये ख़त्म कर देंगे जो है इसका वर्कशीट, तो क्या करें ये भी बहुत लंबा हो चुका है। तो मैंने डिसाइड किया कि और एक पार्ट बनाना है क्योंकि 3 नंबर, देखो 4 नंबर बहुत ही ईजी है, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, लेकिन 3 नंबर जो है ना और भी कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन है। तो देखो मैं हमेशा जो कहता हूँ कि जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी ना तो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूँगा, तो इसलिए मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे सपोर्ट करो या ना करो, देखो वीडियो को और ना देखो, क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा पार्ट बनाता हूँ तब तुम लोग कहते हो सर इतना ज़्यादा पार्ट बन गया, तुम लोग नहीं देखते हो।
अगर वीडियो लेंदी हो जाता है तो तुम लोग कहते हो कि सर वीडियो बहुत लेंदी हो गया, छोटा बनाओ। तो क्या करूँ मैं बोलो? तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का और एक पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, सो तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर दो, आई थिंक तुम लोगों को अच्छा ही लग रहा है। और जो लोग अभी मेरे साथ पहले से ही जुड़े हो, कमेंट करो, लाइक करो ना प्लीज़। तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं। सो तब तक के लिए गुड बाय।